बिश के साथ अजब में शुमार ताजमहल के आसपास गंदगी का अंबाल लगा है आलम यह है कि हजारों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक यहाँ से गुजरते हैं लेकिन जिम्मेदारी अधिकारी इस मुल्क में ध्यान नहीं देते हैं पूरे विश्व में भारत की पहचान माने जाने वाले ताजमहल पर गंदगी का अंबार लगा है लेकिन अगर बात की जाए ताजमहल के पश्चिम और दक्षिण गेट की तो वहां पर गंदगी की तरफ नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पान मसाले की पीक से लोगों ने पत्थर को और भी लाल कर दिया है तो वही दक्षिणी गेट आरोप पूरे दिन निकल जाने के बाद भी डस्टबिन ऐसी कूड़ा कचरा नहीं उठता क्षेत्रीय लोगों का कहना है की डस्टबिन ऐसी पड़े कचरे को समय ऐसी नहीं उठाया जाता पहले ऐसी सफाई कुछ कुछ ठीक हुई है पर इस वक्त सफाई ऐसी बुरी हालत है कोई जो भी डस्टबिन में आप देखिएगा हम डस्टबिन में या टोश् तो डस्टबिन में डाल देता वो बंदर फैला जाता है गंदगी वैसी की वैसी गंदगी इस तरह ताज के आसपास में यहाँ आगरा में नहीं होनी चाहिए और नाले के पास तो और बुरा हाल है कुछ दिन पहले जमुना किनारे पे भी सफाई अभियान चला था उस दिन की बात है फिर वैसी गंदगी आपको बता दें कि समय से डस्टबिन न उठाने के चलते बंदर डस्टबिन से कूड़े को बाहर फेंक देते हैं जिसकी वजह से डस्टबिन में पड़ा कचरा बाहर फैल जाता है वहीं ताजमहल के दक्षिणी गेट पर ताज सुरक्षा बूथ के पास गंदगी से भरे डस्टबिन पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली ग्यारह साल की ले प्रिया द्वारा सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर तत्काल नगर निगम की टीम ने सफाई करवा कर वहाँ की तस्वीर ही बदल दी लेकिन ताजमहल के आस पड़ी गंदगी एक और फोटो वायरल होने का इंतजार कर रही है सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट